नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। रामनगरी में है, अयोध्या में है और अयोध्या के चारों ओर जिस तरीके से संपूर्ण रूप से भगवा मैं तो आपको हर जगह दिख रही है। गली गलियारे सज रहे हैं, रौनक वौनक सब दिख रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ये पटुके देख लीजिए, पटुका कह लें, झंडा कह लें, ये भगवा मैं संपूर्ण रूप से दिख रहा है। और सबसे ज्यादा बिक्री अयोध्या नगरी में जो हो रही है वो इनकी हो रही है। गाड़ी से लेकर के रिक्शा, रिक्शे से लेकर के बस, बस से लेकर के अगर बात की जाए तो एक साइकिल चालक भी जो है इसको खरीदता हुआ जा रहा है। और पूरी तरीके से आपको निकलने वाली हर एक गाड़ी में ये झंडा जरूर दिखेगा, भगवा मैं है। अगर देखा जाए तो खरीदार भी झंडे खरीद रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि लोगों के जहन में क्या है। क्या नाम है भाई साहब? शिव बहादुर गोस्वामी। तो कहाँ के हैं? यही के हैं। हाँ हाँ, गोंडा के। गोंडा के हैं जी। तो अच्छा, गोंडा वाली भाषा में ही हम थोड़ा चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है? तनिक हमें ये बताइए कि झंडा क्यों खरीदे हैं? झंडा खरीद रहे हैं ये धर्म के लिए। हाँ। भगवान के धर्म के लिए खरीद रहे हैं। हाँ। और हमेशा धार्मिक ही बच्चे रहे हैं। हम अत्य दिन से हैं, यहाँ देखत आए हैं कि सब कोई जो है अपने गढ़वा पे भी यही लगा रहा है। बहुत नीक लागत है। इस मारे लोग खरीद रहे हैं या फिर बस रुचि है धर्म के नाते? धर्म के नाते, धर्म के नाते। अच्छा, तो रंगों का भी देख रहे हैं, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई भगवा है, पसंद कौन सा? भगवा कलर। का है? भगवा का है। योगी की वजह से। योगी की वजह से का है? बस ऐसे पसंद है हमारा। योगी को पसंद करते हैं? हाँ हाँ, योगी को बहुत पसंद करते हैं। योगी जी तो आज आ भी रहे हैं। हाँ, आ जा रहे हैं जी। अयोध्या नगरी में कितना कुछ देख रहे हैं? बहुत बहुत भारी खुशी, बहुत भारी खुशी, इतना खुशी कभी नहीं देखा मैं। अच्छा ये बताइए, ये जो बिक रहे हैं झंडे, ये पहले से चलन में थे या जब से राम मंदिर को लेकर के विकास शुरू हुआ है तब से शुरू? पहले से था। हाँ। पहले से था और जब से राम मंदिर का चलन हुआ है जब से और ज्यादा हो गया है। हाँ, तब से लोग जो है और खरीद रहे हैं। जी, जी जी। अच्छा, तो अभी तक कितने झंडे ले चुके हैं आप? अभी तक कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 झंडे ले चुके हैं। 25-30 झंडे आप खरीद चुके हैं? तो क्या पूरे घर को सजाए हैं? नहीं जी, घर को पूरा सजाते हैं। हर कोने पे लगाते हैं, बीच में भी लगाते हैं। इस झंडे को लगा के क्या महसूस होता है? ये हिंदू का एक धर्म होता है। हाँ। और भक्ति आती है बच्चों। हाँ। में भक्ति जागती है। हाँ। जी, तो मतलब देखिए, अगर संस्कार की बात की जाए तो हिंदू रीति रिवाज से बच्चों के जहन में, बच्चों के भीतर वो संस्कृति, वो सम्मान, वो रूप दिखा सके, इस नाते जो है इसको लगाया जाता है। अच्छा, इसके मूल्य क्या क्या होते हैं? मतलब इसके मूल्य बहुत न्यूनतम रहते हैं? नहीं, ज्यादा रहते हैं। ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी खरीद रहा है। जी जी जी। चलिए ठीक है, और लोग हैं जो ये इसको बेचते हैं, उनसे भी चर्चा करते, जानने की कोशिश करते हैं। आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? ये बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है। हाँ। तो कैसा, क्या कुछ मूल्य रहता है इनका? बता भैया, बताइए। यही बेचते हैं भाई हमारे। आप नहीं बेचते? नहीं, मैं तो खाली बैठा हूँ, हमारे व्यवहारी है भाई। मित्र है। अच्छा, तो बताइए क्या न्यूनतम मूल्य रहता है इनका? छोटे वाले का 20 रुपए है, बड़े वाले का 30 रुपए है। तो खरीदारी कौन से वाले की होती? छोटे वाले की? छोटे वाले की। छोटे वाले जी। तो लोग क्या कह करके ले जाते हैं? गाड़ी में लगाना है, साइकिल में लहराना है या फिर घर को सजाना है? नहीं नहीं नहीं, 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है, इसीलिए लेके जाते अच्छा, हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जो खरीदारी बढ़ रही है वो 22 जनवरी के लिए? जी, 22 जनवरी के लिए। तो क्या इसका रोजगार ज्यादा चल रहा है बाकी चीजों के मुताबिक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब से मंदिर का मेरा उद्घाटन होने वाला है इसीलिए मेरी दुकानदारी। सबसे ज्यादा कौन से रंग के रहे हैं? लाल, लाल भगवा कलर। लाल और भगवा जी। तो आप लोग पूछते हैं कि भगवा ही क्यों ले रहे हैं? हाँ जी, पूछा जाता है तो बताते हैं कि मंदिर का उद्घाटन है इसीलिए। मंदिर का उद्घाटन है इसलिए। आप भी बेच रही हैं? जी जी। नहीं, साथ में है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिंपल है। सिंपल है, तो आप खरीदार हैं कि यहाँ? नहीं नहीं, बस आए हैं साथ में। साथ में आए, मतलब साथ में ही है। जी जी। आपने अपने घर में सजाया है? हाँ, हमने अपने घर में भी लगाया है। काहे के पीछे लगाया है इसको, कुछ बताइए तनिक। बस अच्छा लगता है इसलिए लगाए हैं। अच्छा लगता है, मन को खुशी होती है। जी जी। राम मंदिर तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को जिस तरीके से कार्यक्रम है उसकी कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, जो बता नहीं सकते हैं आपको। अच्छा, वो शब्दों में बयां भी नहीं हो सकती। जी जी। अच्छा, यहाँ पर आई हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग आपको भा रहा है? क्योंकि कहते हैं महिलाओं को सभी अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है जी। हमारा चले, हम सब कुछ अपने घर में लगाए हैं। सब कुछ अपने घर में लगाए हैं। यहाँ पर महिलाएं जो खरीदार आती हैं उनका क्या रुझान रहता है? उनका भी अच्छा ही रहता है। अच्छा ही रहता है। आपका क्या नाम है माता जी? हमारा विभा। विभा, तो कहाँ से हैं? यही अयोध्या की हैं? हमारा यही घर है। अच्छा, यही घर है, तो साथ में ही हैं आप लोग? नहीं, हमारी दुकान है। आपकी दुकान है। तो सबसे ज्यादा खरीदारी किन उसकी हो रही है? सबकी होती है, अपने अपने पसंद की बात होती अच्छा, है। तो क्या देख रही हैं कि वाकई देख रहे हैं? अपनी दुकान लगाए हैं, बैठे हैं,
मतलब दुकान लगाई है बैठी है, बताइए जो कलर किस रंग के सबसे ज्यादा बिक रहे हैं? देखो इसको हम नहीं बता सकते हैं, कस्टमर के ऊपर रहता है, कस्टमर के ऊपर रहता है, हमारे ऊपर नहीं रहते हैं। मूल्य जिस रंग का लेंगे वही मूल्य होता है। अच्छा, तो लोग मोल भाव भी करते हैं कि उससे इतने बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल करेंगे, सामान खरीदेंगे तो मोल करेंगे तभी तो लेंगे। मोल भाव मतलब कि कम ज्यादा कहते ही है। राम मंदिर बन रहा है काकी, कैसे देख रही है? मंदिर हमारा है, हमारे राज का है, बन रहा है, हम उन्हीं के तो हैं सेवक। उन्हीं के सेवक है जी। आज हर कोई जो मजदूर है अंदर वो भी ये कह रहा है कि हमको अवसर मिला है नगरी में काम करने का, ये सौभाग्य की बात है, क्या लगता है? हमारा यही जन्म है, हम उन्हीं के घर में आए, उन्हीं से बड़ा सौभाग्यशाली फिर कौन हो सकता है काकी से। तो देखिए झंडों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, झंडों की बात की जाए तो पूरी ये एरिया जो है संपूर्ण रूप से आपको देखिए भगवामय दिख रही होगी, चारों तरफ भगवामय है। लोग जो है योगी को लेकर के, योगी जी की पसंद के उससे लेकर के जाते हैं, भगवा को लेकर के लेकर जाते हैं। योगी एंड मोदी, योगी एंड मोदी इज द वोट ऑफ हैं यूपी, आगे यूपी इनक्रेडिबल इंडिया। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। नहीं नहीं मैडम, इनक्रेडिबल इंडिया। अच्छा, अतुल्य भारत। हाँ। अयोध्या जी हमारा। हाँ। जानिए ना। हाँ। हाँ। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है जी। जानिए ना मैडम। हाँ। इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ। अतुल्य भारत अगर है तो हमारा अयोध्या जी है। मोदी जी द बेस्ट, योगी जी द बेस्ट, उनके आगे मुलायम अखिलेश, माफ करिएगा आप हमें, है ना, अखिलेश यादव मुलायम, हाँ, मायावती, हाँ, बाकी जातवाद खत्म कर दीजिए सर जी, यहाँ पे साले जातवाद चलाए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव तो खत्म ही हो गए, अखिलेश यादव, जाने ना, ये सब ज्यादा हम बात ना करें चाहे, हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, कहिए स्पेलिंग भी सुखी बताना है, इनक्रेडिबल अतुल्य भारत हमारा है, अयोध्या जी। तो देखिए रुचि लोगों की यही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये भगवा रंग जो है सबको नीक लग रहा है, साफ तौर पर हर कोई लग रहा है। तो लगातार इसी तरीके बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत पर, कैमरा पर्सन रजा के साथ।